आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बना है, इफ cos थीटा 1 + cos थीटा 2 + cos थीटा 3 + cos थीटा 4 + cos थीटा 5 इसकी वैल्यू गिवन है ना 5 के इक्वल, देन sin थीटा 1 + sin थीटा 2 + sin थीटा 3 + sin थीटा 4 एंड sin थीटा 5 इन सब की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। सो हमको इक्वेशन गिवन है cos थीटा 1 + cos थीटा 2 + cos थीटा 3 + cos थीटा 4 + cos थीटा 5 इन सब की वैल्यू मिला के हो रही है 5 के इक्वल, ठीक है। अब देखो हमको अपना पता है कि जो cos थीटा होता है ना उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू अपना क्या होता है 1 के इक्वल होता है अपना, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू अपना यहाँ पर माइनस 1 होता है। सो cos थीटा की वैल्यू उसके बीच में वेरी करती है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की मेरी 1 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। अब देखो इन पांचों को मिला के वैसे मेरा 5 के इक्वल आ रहा है, तो यानी अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मेरा cos थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल हो सकता है। अगर पांचों की वैल्यू 1 1 1 1 के इक्वल हो जाए तो सबको ऐड करके 5 आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है ना पर ये, और ये 5 का तभी आएगी जब cos थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है मेरी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है मेरी। अगर इससे छोटी मैं किसी की भी वैल्यू ले लूँगा तो सब मिला के 5 नहीं आएगा मेरा, ठीक है, तो सबकी वैल्यू 1 1 होनी पड़ेगी और 1 से ऊपर हो नहीं सकती वैल्यू, किसी की भी cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और अगर 1 से छोटी लेंगे तब सबका सब मिला के 5 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी जो पांचों cos थीटा है, जो पांचों एंगल है, सबके सब मिला के 1 के इक्वल आएगा। देखो अगर cos थीटा मेरा 1 है तो यानी जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 0 डिग्री, क्योंकि cos थीटा cos 0 डिग्री मेरा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 5, पांचों एंगल इक्वल है, वो 0 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपना cos 0 प्लस cos 0 प्लस cos 0 cos 0 एंड cos 0 इन पांचों को सम करेंगे तो इधर से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो वो 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब पांचों एंगल की वैल्यू की 0 डिग्री की इक्वल है। अब हमको वैल्यू बतानी थी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 sin थीटा 3 4 एंड 5 इनकी वैल्यू बतानी है। देखो थीटा की वैल्यू तो पता लग गई हमको, तो वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू सिंपली, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री प्लस साइन जीरो डिग्री एंड प्लस साइन जीरो डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, क्योंकि थीटा तो मेरा जीरो डिग्री है एंड साइन जीरो जीरो होता है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।